ओम गम गणपतिये नमः, श्री कृष्णाय नमः। आज मैं आपको आषाढ़ मास माहात्म्य के 26वें अध्याय की कथा सुनाऊंगी। पिछले अध्याय की कथा में हमने सुना था कि महावीर अर्जुन एक ब्राह्मण को वचन देते हैं कि मैं तुम्हारे पुत्र की रक्षा करूंगा, लेकिन वे ऐसा करने में असमर्थ रहते हैं। जैसे ही ब्राह्मण के पुत्र का जन्म होता है, काल उसे घेर लेता है और अर्जुन उसकी रक्षा नहीं कर पाते। तब क्या करेंगे अर्जुन, ये हम इस अध्याय की कथा में सुनेंगे। ब्राह्मण अर्जुन को बहुत धिक्कारने लगता है कि उन्होंने वचन दिया था कि मेरे पुत्र की रक्षा करेंगे, लेकिन फिर भी वह उसकी रक्षा नहीं कर पाए। ब्राह्मण के मुख से बार बार अपनी निंदा सुनकर महावीर अर्जुन शोक में संतप्त हो जाते हैं। मारे लाज के उन्हें मुख भी दिखाना कठिन हो जाता है। वे बार बार सोचते हैं कि अब मैं क्या करूँ। उसी क्षण उन्हें संयमनीपुरी का स्मरण हो आता है। वे उसी क्षण यमराज की पुरी की तरफ चल देते हैं, जहाँ पर भगवान यम विराजमान रहते हैं। वहाँ पर ब्राह्मण के पुत्र को ना पाकर इंद्रलोक जाते हैं। वहाँ पर भी उन्हें ब्राह्मण का पुत्र नहीं मिलता, तब वे अग्निलोक, सोमलोक, वायुलोक, वरुणलोक सब लोकों में जाकर देखते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ पर भी ब्राह्मण का पुत्र नहीं मिलता। फिर वे रसातल आदि नीचे के लोकों और स्वर्ग से ऊपर ब्रह्मा आदि के स्थान भूत विभिन्न लोकों में जाते हैं। जहाँ दूसरे नहीं जा सकते, वहाँ सब जाकर ब्राह्मण के पुत्र को खोजते हैं। जब ब्राह्मण का पुत्र उन्हें कहीं भी नहीं मिलता, तब अपनी प्रतिज्ञा को अधूरी समझकर अग्नि प्रवेश की इच्छा करते हैं, लेकिन अपनी युक्तियों से भगवान कृष्ण उन्हें ऐसा करने से मना कर देते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अपनी आत्मा की भर्त्सना मत करो, मैं तुम्हें ब्राह्मण पुत्रों को दिखा दूंगा। जो मनुष्य आज निंदा कर रहा है, वही भविष्य में तुम्हारी प्रशंसा भी करेगा। पर मैंने तुमसे बार बार कहा है कि बिना समझे बूझे किसी कार्य का निश्चय मत किया करो, पर तुम मानते ही नहीं हो। अब चलो मेरे साथ, हम ब्राह्मण के पुत्र को ढूंढ कर लाते हैं। हे राजा परीक्षित, ऐसा कहकर श्री कृष्ण उसे साथ लेकर रथ पर जा बैठे और पश्चिम की दिशा में चलकर सात सात पर्वत वाले सातों द्वीपों सहित समुद्र और लोकालोक पर्वत को लांघकर उसके पार घने अंधकार में चले गए। उसमें चलते समय श्री कृष्ण के रथ के घोड़े अपने मार्ग से चलने में असमर्थ हो गए। जब श्री कृष्ण ने देखा कि घोड़े अपना मार्ग छोड़कर इधर उधर भटकने लगे हैं, तब उन्होंने सुदर्शन चक्र को आगे कर दिया, जिसके प्रकाश से सारा अंधकार दूर हो गया। तब उस अद्भुत तेज को देखकर अर्जुन की आंखें चौंधिया गई और उन्होंने दोनों हाथों से अपने नेत्र बंद कर लिए। फिर तो श्री कृष्ण जी अपना रथ लिए एक गहरे जलराशि में बैठे और वहाँ एक दमकता हुआ महाकाल नाम का नगर दिखाई पड़ा, जिस बस्ती में बड़े भयंकर हजारों सिर वाले शेषनाग को उन्होंने देखा, जिसके ऊपर अपना आसन लगाए श्यामवर्ण चतुर्भुज स्वरूप वाले वनमाला धारण किए नंद सुनंदन आदि पार्षदों से घिरे हुए भगवान गदाधर जी बैठे हुए थे और माता लक्ष्मी उनके चरण दबा रही थी। तब भगवान के चारों ओर खड़े होकर ऋषि मुनि उनकी वंदना कर रहे थे। तब शोभा के धाम भगवान गदाधर जी को इस प्रकार बैठे हुए देखकर श्री कृष्ण ने पास जाकर उन्हें प्रणाम किया, फिर अर्जुन सहित हाथ जोड़कर सामने खड़े हो गए। तब वे शेषशायी भगवान अर्जुन से मुस्कुराकर बोले, हे अर्जुन, तुम्हें देखने की इच्छा से ही मैं ब्राह्मण का पुत्र चुराकर यहाँ ले आया था। तुम दोनों मेरे ही अंश से पृथ्वी की रक्षा करने के लिए मानव शरीर धारण करके उत्पन्न हुए हो, अतः अब तुम शीघ्र ही पृथ्वी के भार को दूर करके मेरे पास चले आओ। लो, यह ब्राह्मण का पुत्र है, इसे अपने साथ ले जाओ। फिर तो श्री कृष्ण और अर्जुन ने भगवान गदाधर को प्रणाम किया और उस ब्राह्मण के छोटे बड़े सब 9 पुत्रों को साथ लेकर द्वारका का मार्ग पकड़ा और उन्हें लाकर ब्राह्मण को दे दिया। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से यह सब आश्चर्य देखकर अर्जुन को बड़ा ही आनंद प्राप्त हुआ। इसके बाद श्री कृष्ण जी अपने अलौकिक पराक्रम को भूलोक में दिखाते हुए बहुत दिन तक लौकिक सुख भोग कर अनेकों यज्ञ प्रचुर दान धर्म करके प्रजा को सुख देते हुए और अधर्मियों का नाश करते हुए धर्म की रक्षा में लगे रहे। यहाँ पर आषाढ़ मास माहात्म्य के 26वें अध्याय की कथा समाप्त होती है। हरे कृष्णा, राधे राधे।